In today's lecture, in unit number 5, we will discuss computer software and computer hardware. आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. What is a computer? Hardware, different kinds of hardware used in organizations, software and different kinds of software used in organizations. First, we will discuss what is a computer. यानी computer क्या है? A computer is a machine that can be instructed to carry out sequence of arithmetic and logical operations automatically via computer programming. यानी हमारे पास क्या है? कंप्यूटर क्या है? हमारे पास एक मशीन है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अब अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन, ये ऑपरेशन सारे क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेशन में आते हैं. इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन है. लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, यानी कंपेरिजन करते हैं. और ये किस में आ जाते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन में. और ये कंप्यूटर क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि हम इसको प्रोग्रामिंग थ्रू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. अब इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन सॉल्व different problems, process data, store and retrieve data and perform calculation faster and efficiently than human. यानी computer हमारे पास क्या है? एक electronic machine है. यानी electronic machine है that can solve different problems. ये हमारे मुख्तलिब किस्म के problem solve करता है. process data, data पे process करता है. store data, यानी data को store करता है. और retrieve मतलब यानी हम इसको एक्सेस करते हैं. ठीक है, जब हम डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे, तो बाद में अगर हमें बाद में चाहिए तो हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, रिट्रीव किसको कहते हैं? डेटा को एक्सेस करना. ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टर. और ये क्या करता है? परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टर, यानी ये तेज काम करता है, तेज कैलकुलेशन करता है. एंड एफिशिएंटली और एफिशिएंट वे करता है, यानी फास्ट और इफिशियंट है एज कंपेयर टू ह्यूमन. यानी कंप्यूटर तेज और इफिशियंट काम करता है किसके मुकाबले में? ह्यूमंस के मुकाबले में. इसकी और डिफिनेशन हम लेते हैं. व्हाट कंप्यूटर कैन डू? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज केपेबल ऑफ टेक डेटा एज ए इनपुट. यानी डेटा हमसे एज ए इनपुट लेता है. स्टोर डेटा, यानी डेटा को महफूज करता है, स्टोर करता है. डेटा या इंस्ट्रक्शन दोनों को क्या करता है? स्टोर करता है. इन इट्स मेमोरी, यानी इसके मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी होती है. यानी हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, इसमें क्या करता है? यह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. जो हमारा रैम होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी इसमें जब लाइट चली जाती है डेटा खत्म हो जाता है. जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो परमानेंट होता है, इसमें क्या होता है? हमारा डेटा स्टोर होता है. एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड, और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें चाहिए तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं. यानी जब डेटा हमें चाहिए होता तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं. प्रोसेस द डेटा, स्टेप नंबर 3, प्रोसेस द डेटा, डेटा पे प्रोसेस करता है. एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये प्रोसेस क्यों करता है? ताकि हम डेटा को क्या करें? यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, इसलिए इस पे डेटा पे प्रोसेस करता है. और लास्ट इसका क्या है? स्टेप नंबर 4, जनरेट आउटपुट. और ये हमें आउटपुट जनरेट करता है, यानी हमें रिजल्ट देता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्डवेयर. व्हाट इज अ हार्डवेयर? यानी हार्डवेयर हमारे पास क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल का मतलब क्या है? जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच कर सकें, वो हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर. इस तरह इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है? हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड द टेंजेबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच. यानी फिजिकल और टेंजेबल का मतलब क्या है? जिसको हम टच कर सके, वो क्या है हमारे पास? उसको टेंजेबल कंपोनेंट, उस कंपोनेंट्स को कहते हैं जिसको हम टच कर सकें. यानी हार्डवेयर हमारे पास क्या होते हैं?
फिजिकल और टेंजेबल कंपोनेंट जो कंप्यूटर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। दिस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड मशीनरी आर द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसको बाज दफा मशीनरी या इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास क्या है जो हम यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, कीबोर्ड वो एक हार्डवेयर है, क्योंकि इसको हम, ये फिजिकल है क्योंकि इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास मॉनिटर जो स्क्रीन होता है वो क्या है, हमारे पास एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इस तरह माउस हमारे पास एक हार्डवेयर है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर का। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हमारे पास हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर, ये हमारे पास क्या है, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, आर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, आपने देखो हम ऑर्गेनाइजेशन में आपने पीसीज भी देखे होंगे और लैपटॉप कंप्यूटर भी देखे होंगे, ये भी यूज होते हैं। ठीक है, प्रिंटर्स, प्रिंटर आपको पता है किस लिए होते हैं, जिस तरह हम जिस पर हम प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो भी यूज होते हैं। स्कैनर, स्कैनर किस लिए होते हैं, हम इस पर डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते हैं, ठीक है, स्कैनिंग के लिए, यानी स्कैनिंग के लिए यूज होता है ये, उसको क्या कहते हैं, स्कैनर। फैक्स मशीन, ठीक है, ये भी यूज होते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या है, एक हमारे पास होता है इंटरनल हार्ड ड्राइव, ठीक है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल हार्ड ड्राइव। ठीक है, ठीक है, ये फिक्स होता है कंप्यूटर में। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है जिसको आसानी के साथ हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और ये कंप्यूटर में हम किस तरह कनेक्ट करें, यूएसबी पोर्ट के तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक नेटवर्क सर्वर होता है। ठीक है, अब नेटवर्क सर्वर क्या है, आपको पता है मैंने बताया था कि कंप्यूटर, आम कंप्यूटर और सर्वर में क्या फ़र्क होता है। आम कंप्यूटर के मुकाबले में क्या होता है, जो नेटवर्क सर्वर होता है या सर्वर होता है उसके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, यानी इसकी सीपीयू प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, रैम वगैरह ज़्यादा होता है, हार्ड डिस्क वगैरह यानी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है आम कंप्यूटर के मुकाबले में, बिल्कुल आम कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन इसके रिसोर्सेज आम कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह हमारे पास एक वायरलेस राउटर होता है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग के लिए। ये डिवाइस किस लिए यूज़ते हैं, ताकि जो हमारे नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर है या कंप्यूटर्स है, प्रिंटर है, वो आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपस में कनेक्ट रहे ये। ठीक है, इस तरह हमारा वाईफाई, आपके कैंपस में वाईफाई है, वो भी क्या, एक हार्डवेयर है, वो किस लिए यूज़ होता है, वो हमें सिग्नल प्रोवाइड किया, इंटरनेट के सिग्नल प्रोवाइड करता है। और इस तरह एक वायरलेस राउटर भी बिल्कुल वाईफाई राउटर की तरह होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, वायरलेस राउटर का, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज प्रोग्राम आर एप्स, यानी हमारे पास जो प्रोग्राम्स या एप्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। इस तरह हमारे पास जो स्मार्टफोन में मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन होते हैं, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं, या कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर में एक गेम इंस्टॉल किया हुआ है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर, यानी ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या करते हैं या क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट टेल द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, यानी सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हार्डवेयर को बताता है कि आपने कौन सा काम सरंजाम देना है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं तो इसमें हम लेटर या एप्लीकेशन वगैरह टैप करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसमें हम टैपिंग वगैरह करते हैं, एप्लीकेशन टैप करते हैं या एप्लीकेशन या लेटर्स वगैरह, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एक हमारे लिए खास काम करता है। अब हमारे पास अगर वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, लेटर वगैरह टैप करते हैं या एप्लीकेशन
या टेबल्स वगैरह, या टेन टेबल जो यूनिवर्सिटी के जो टेन टेबल्स वगैरह बनते हैं वो भी किस में बनते हैं, वर्ड में, ठीक है। इस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी टास्क, यानी एक सॉफ्टवेयर हमारे बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। एज अपोजिट टू हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर हमारे पास, हमारा जो हार्डवेयर होता है वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ठीक है। विच कैन ओनली परफॉर्म वन मैकेनिकल टास्क दैट दे आर डिजाइन फॉर। सपोज हमारे पास प्रिंटर एक क्या है, एक हार्डवेयर है, और उसका काम सिर्फ एक ही काम होता है, वो क्या कहते हैं हमारे लिए, प्रिंटिंग करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। सपोज हम अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं, ठीक है, या हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर, तो इसमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ काम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम टेबल बना सकते हैं, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसलिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्तलिफ काम सरंजाम दे सकते हैं, और हमारा हार्डवेयर होता है वो एक ही काम सरंजाम देता है, ठीक है। और सपोज मैंने आपको बता दिया, जैसा हमारा प्रिंटर है वो एक ही काम करता है, सिर्फ क्या करता है, प्रिंटिंग, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरकनेक्टेड, विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर वुड हैव नो फंक्शन, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक हार्डवेयर है, ठीक है, तो बगैर सॉफ्टवेयर के वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है। जब सपोज हमारे पास एक प्रिंटर होता है, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसका कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। मतलब है ये इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई हार्डवेयर हमारे पास हो और उसका सॉफ्टवेयर ना हो तो वो काम नहीं कर सकता। इसलिए हर हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है, ठीक है। आप कंप्यूटर के लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। अगर हम इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, तो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब है कंप्यूटर हमारे पास हार्डवेयर है, यानी हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इस तरह अगर हमारे पास प्रिंटर एक हार्डवेयर है, ठीक है, जब इसको हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक इसका हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। यानी हार्डवेयर कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या, इसका काम क्या है, हेल्प्स रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ। इसका काम है वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने, बल्कि कंप्यूटर को खुद चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज वगैरह होते हैं हमारे पास, वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, अलाउ यूजर, यानी ये लोगों को, यानी यूजर को अलाउ करता है टू कैरी आउट वन आर मोर टास्क, यानी टू कैरी आउट वन आर मोर टास्क, ये अलाउ करता है यूजर को कि कैरी आउट करो क्या, एक या एक से ज्यादा काम, ठीक है। इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग एंड ऑलमोस्ट एनी अदर टास्क फॉर विच यू माइट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। सपोज अगर हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास क्या है, इसमें हम काम करते हैं, यानी यूजर काम करते हैं इसमें, ये क्या है, एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह अगर हम गूगल इंस्टॉल करते हैं, ये क्या है, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम इस पर मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट खोलते हैं। इस तरह अगर हम एक गेम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें हम फिर क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं इस पर, ठीक है, गेम सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन कौन से है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अकाउंट सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, बिलिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, ठीक है, पेरोल सॉफ्टवेयर है, पेरोल वगैरह के लिए यूज होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है, ये सारे के सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास यूज होते हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। फॉर मोर डिटेल यू कैन यूज द फॉलोइंग रिलेटेड लिंक्स।
You can also use recommended textbooks mentioned in the course contents. Thank you.